हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ दिन से, और मैं आ गई किचन में। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है इंडक्शन में, और ये कचरी लाए थे ना मेरे हस्बैंड। तो आज पता दो दिन बाद आज निकली यहाँ पे हल्की सी धूप, तो मैंने कहा मैंने डिब्बे में कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसको धूप में रख दूँगी मैं। और आपको उधर कैसा मौसम है बताइएगा आप लोग। और यहाँ पर पता कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, मतलब सोमवार को आई थी धूप, तब से अभी भी देखिए ऐसी हो रहा मौसम, मतलब इतनी तेज़ नहीं है धूप। और बेटी यहाँ देखिए कपड़े ले आई है, इतने दिनों बाद आज लाए हम लोग 600 उतार के, तो इसे तय कर रही है। और मैं तो किचन में ही हूँ, धूप मतलब तेज नहीं है। तो आज दोस्तों मैं आपको जो सब्ज़ी दिखा रही हूँ, काफ़ी लोग जानते होंगे इसको, ये हमारे यहाँ जंगल में भी होती है, जंगल में भी है इसके पेड़। तो ये है सेमल, बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स इसकी सब्ज़ी, और ये दर्द वगैरह में भी काम आती है, जैसे जोड़ों वगैरह का दर्द होता है ना, उसके लिए भी अच्छी होती है, लाभदायक होती है ये। तो आज मैं दाल भात के साथ बनाऊंगी सेमल की सूखी सब्ज़ी। बच्चे नहीं खाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड और सास ससुर जी खाएँगे हम लोग। और आप लोग की तरफ कैसा है मौसम बताइएगा। तो मैं इसको कचरी को ना इसमें कर देती हूँ डिब्बे में, हल्की से धूप आ रही है बाहर, तो उसमें उसमें रख दूँगी मैं इसको, थोड़ा सा ना सूख जाएगी ये कचरी। और इस डिब्बे में मैं डाल के इसको थोड़ा धूप में रख दूँगी, इसको भी डाल देती हूँ मैं इसको डिब्बे में, और ये डाल दिया मैंने इसमें। और बाहर कुछ इस तरह से धूप लगी है, ज़्यादा तेज तो नहीं है, थोड़ी हल्की है। अब मैं इस डिब्बे को रख दूँगी बाहर, थोड़ा धूप लग जाएगी। और ये मैंने यहाँ रख दिया डिब्बे को बाहर, धूप ज़्यादा तेज नहीं है, कुछ इस तरह से हो रहा है मौसम यहाँ पे। हवा चल रही है बहुत ठंडी 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 हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको ना सेमल को चार पीस में काट दूँगी, ये देखिए ये है, और इसके अंदर ना ये निकलता है ये गुद्दा, ये तो इसको निकाल देना है। हमारे यहाँ तो पता है ये पहाड़ों में ना जंगलों में भी लगे हैं इसके पेड़, तो काफ़ी ऊपर रहते हैं ना, तो तोड़ा भी नहीं जा सकता इसको। दोस्तों मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है, ये देखिए इतना सारा इसमें कबाड़ निकला, ये इसके अंदर ना फूल रहते हैं, ये देखिए काट दिया मैंने इसको बारीक बारीक। अब मैं इसकी बनाऊँगी सब्जी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और ना मैं इसमें ये मेथी का तड़का लगाऊंगी, मेथी के दाने लिए मैंने थोड़े, मेरे को इसमें ना मेथी का तड़का ही अच्छा लगता है। दोस्तों मैंने सेवा डाल दिया इसमें, अब इनको अच्छे तरह से फ्राई कर दूंगी। जब तक ये हल्की आँच में पक रहा है, मैं थोड़ा दो चार लहसुन की कलियाँ और एक छोटा अदरक का टुकड़ा क्या हो रहा है जवान एक छोटा अदरक का टुकड़ा और दो चार लहसुन भी कर लिया ना सिलवटने में पीस लूँगी, और थोड़ा सा पीसूँगी मैं जीरा, जीरा डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा, तब इसको डाल दूँगी। और बाकी तो वही है, सूखे मसाले डाल दूँगी। यकीन मानिए दोस्तों आप भी बनाना, में बहुत टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। और ये दर्द वगैरह रहता है ना जो घुटने वगैरह में हाथ पैर में, उनके लिए भी लाभदायक होती है, थोड़ा चला देती हूँ इसको मैं। मुझे तो बिना लहसुन के ना सब्ज़ी खाने में बनाने में मज़ा नहीं आता जब तक लहसुन ना हो, तो इसी का पेस्ट बना के डालूँगी। और बाकी सूखे मसाला डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची वगैरह जो होती है वो ही डालूँगी मैं से, और इसको पीसूँगी मैं सिलबटने में। खुल जा सिमसिम, ये दरवाज़ा दोस्तों इसके पीछे रहता मेरा सिलबटना यहाँ पे, ये डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और प्लस जीरा ही पीसा मैंने इसमें। हाँ देखिए सब्जी भी तैयार हो गई है सेमल की। और ये है दोस्तों लंच की थाली दादा दादी के लिए, मतलब सास ससुर जी के लिए। चावल मैंने रख दिए गैस पे बनने, अब थोड़ा जरा बाहर जाती हूँ देखती हूँ, थोड़ा धूप पे बैठती हूँ दो चार मिनट। ओहो धूप के ये हाल है, देखिए जरा आप लोग, और हवा चल रही है, कोहरा लग गया।
फिर से हवा बहुत ठंडी चल रही है। सुबह बैठे थे ना हम तसले में आग जला के, तो अभी भी थोड़ी तपन है उसमें, और धूप तो नहीं है, धूप तो चली गई। पता नहीं क्यों ऐसा ठंडा मौसम, धूप ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है भाई, मैं तो अंदर जा रही, अंदर जाती हूँ, ठंडी हवा चल रही है बहुत। दोस्तों ना चिड़िया गिलहरी तो चली गई, और अब आ रखे हैं वहाँ बंदर चावल खाने। अब मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो वो भाग जाएंगे, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। दोनों बंदर के बच्चे, ए रे कैसे खा रहे हैं, भुक्की लग रही है इनको, भुक्की। ओह भाग गया। तो शाम की चाय पीने के बाद अब बेटी ने बोला, मम्मी आज सिल रोटी बनाते हैं। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो बेटी उसका बैटर तैयार कर रही है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये बेटी मेरी बैटर तैयार कर रही है, और अब मैं बाहर जाती हूँ और ज़रा चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ तसले में। तो मैं तसले में ईंट रख के चूल्हा बनाती हूँ। ठंडा तो वैसे ही हो रहा है, कोहरा भी बहुत आ रहा है, तो देखते हैं। पिछली बार का देखा था आपने मेरा ब्लॉग, उसमें कैसे बन रही थी, तो आज देखते कैसे बनती है। तो मैं चूल्हा बनाती हूँ, और यहाँ मैंने ईंटों का चूल्हा बना दिया है तसले में। ये देखिए ये हमारी सेल रोटी, वाओ। पहली सेल रोटी हमारी, ये 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 तो अब हाथ सेट हुआ है। मत छेड़ो यार, ये थोड़ी जरा सही बनी है। एक तो ये लपटे ना इधर से, ये लग रही है मेरे हाथ में, और ऊपर से सरसों के तेल का धुआं लग रहा है आंखों में। ये देखिए थोड़ा सा ये बनी है यादी। ये बन रही है ऐसी, पता नहीं क्या हो रहा है इन सेल रोटी को, ऐसी ही बन रही है। ये बनी है जरा थोड़ी परफेक्ट। ये ओह माय गॉड, ये तो नीचे गिरती टूट गई। ये बन रही है ऐसी, देखिए दोस्तों अब थोड़ी परफेक्ट बन रही है। आधी ये बन चुकी है हमारी, और ये बन रही है, और अभी इतना बैटर और बाकी है। तो मम्मी यहाँ पे धुआं और वो लग गई है तेल की। तो सेल रोटी हमारी बन गई है, और अब हम सेक रहे हैं आग। ठंडा काफी हो रहा है, 7 बज गए लगभग। अब किचन में जाती हूँ, खाना बनाऊंगी फिर। तो दोस्तों खाना हो गया है हमारा। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।